सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन, व्यवस्थापक, कर्मचारी आज आज़ादी के 65 वर्ष बाद सरकार से अपने नियमित वेतनमान, महंगाई भत्ते के हिसाब से महंगाई सूचकांक के आधार पर महंगाई का भुगतान और देश की संसद द्वारा बनाए गए भविष्य निधि अंशदान कानून ग्रेच्युटी एक्ट की पालना की मांग कर रहा है। आज विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जहां देश और प्रदेश में सभी कर्मचारी जगत की वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार हो रहा है और यहां तक कि जहां प्रदेश के सहकारी बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में प्रदेश की सरकार ने आकर्षक बढ़ोतरी और सुधार किया है, वहीं इस सहकारी बैंकिंग परिवार की एक इकाई के रूप में काम कर रही सहकारी सेवा समितियों के कर्मचारी को न वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है, न उनके महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, न उनको पीएफ और ग्रेच्युटी दी जा रही है और इवन यहां तक कि जो उनका व्यवसाय है जिसमें व्यवसाय की शर्तें, व्यवसाय का कारोबार का ऋण वितरण का मार्जिन, खाद के कट्टे की कीमत, पेस्टिसाइड्स की कीमत, नरेगा के बदले किसी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जा रहा।